आओ बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। आज मिसलेनियस को एंड करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। क्या है पढ़िए, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब एक कमेटी बनानी है कितने लोगों की, 7 लोगों की, किसमें से 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन कैन दिस बी डन, आगे नहीं पढ़ रहा हूं, मालूम है यहीं पे फुल स्टॉप मारू, इसका आंसर बताओ, बोलो। 7 बंदों की कमेटी बनानी, 9 बॉयज है 4 गर्ल्स है, यहीं पे फुल स्टॉप मार दिया, कितनी हो जाएगी टोटल, 13C7। बिल्कुल भाई, टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 13, ठीक है, बनाने कितने की है 7, 13C7। बट आगे क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी टर्न व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। जब कमेटी में क्या हो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, क्या हो जाएगी, खुद बताओ, बोलो बोलो, शाबाश। 10C 10 कहाँ से है पहले तो ये बताओ। एक मिनट, एक काम करते हैं, वी हैव 9 बॉयज, ठीक है, एंड 4 गर्ल्स। अब कंडीशन क्या, मेरी गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 3, तो गर्ल्स में 3 होनी चाहिए बेटा। बॉयज कितने आएंगे, खुद बताओ, 4। भाई 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज आएंगे, क्योंकि 7 की कमेटी है, तो क्या हो जाएगा, 9C4 इंटू 4C3। पहला पॉइंट क्लियर। आगे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स हो, बताइए। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा। तो इसका मतलब 3 गर्ल्स, कंडीशन हुआ ना, 3 क्या हो जाएगा सर, बॉयज कितने, 4 गर्ल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गर्ल्स हैं, गर्ल्स में से कितनी चाहिए, और बॉयज में से कितने आएंगे, बेटा पॉइंट क्लियर। बॉयज कितने हैं, क्या निकाल ली, किसमें से 13 थे, क्लियर, आपने शायद टोटली 9 ले लिया ना, ओके क्लियर। अब आया थर्ड पार्ट, उत्कर्ष आप बताइए, एटमोस्ट, पहले तो एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है सर, क्या होता है, बिल्कुल सही कहा, 3 या 3 से कम, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं भाई, केस बन रहे हैं, क्या होगा, या तो 3 गर्ल्स, या 2 गर्ल्स, या 1 गर्ल, या 0 गर्ल, क्योंकि 3 से कम पे आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं जाना, -1 गर्ल, क्या बात बोलिए, गर्ल ओके कह रही -1 गर्ल, यही वो लड़की है जो देश में आबादी कम कराती लड़कियों की, 3 गर्ल्स, या दूसरा केस क्या बनेगा, सॉरी 2 गर्ल्स, या 1 गर्ल, या 0 गर्ल, क्लियर। तो 3 गर्ल्स वाले केस में क्या बनेगा मेरे बच्चा, 9C4 क्यों बना, पहले बताओ, 3 गर्ल्स है, एक काम करो ना, ऐसे बांट लेते इसे, पहले बॉयज, पहले गर्ल्स लिख लेते हैं, 4 गर्ल्स है ना हमारे पास, 9 बॉयज, अब बताओ, तो 3 गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू बॉयज के लिए 9C4। पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो दूसरे वे में लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको उससे ईजी हो जाएगा। 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट कि 3 गर्ल्स, अगर 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज, राइट, क्या बनेगा खुद बताओ, आप 3 गर्ल्स का 4C3, बॉयज का 9C4। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, 2 गर्ल्स तो कितने बॉयज, 5, क्या बनेगा, 4C2 इंटू 9C5। तीसरा केस, 1 गर्ल तो 6 बॉयज, क्या बनेगा, 4C1 इंटू 9C6। लास्ट केस, 0 गर्ल तो 7 बॉयज, क्या हो जाएगा, 4C0 इंटू 9C7। फिर क्या करते हैं सबको, प्लस, पॉइंट क्लियर है, कंफ्यूजन,
टेक्निक याद है ना कैसे पता लगता है कि प्लस करने मल्टीप्लाई, जब तक नीचे का टोटल मैच ना कर जाए, सेवन ना आ जाए। क्लियर? एक क्वेश्चन तो करोगे? ओके, एग्जांपल नंबर 21 क्या सिंपल है? हाँ, अब पॉइंट अच्छा पूछा कि जरूरी सेवन ही आएगा। बेटा यहाँ पे कितने की कमेटी थी? सेवन। अगर मान लो टेन की होती तो नीचे का टोटल टेन आना चाहिए। जब तक नीचे का टोटल टेन ना है तब तक मल्टीप्लाई, जैसे टेन कंप्लीट प्लस। अब एक काम करो, एग्जाम्पल 21 करके दिखाओ राइट नाउ, 2 मिनट्स। डन या कराऊं? चलो एक बार चेक कर लो जल्दी से। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। ग्रुप में क्या है? 4 गर्ल्स और 7 बॉयज है। 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है? बी टीम हैज नो गर्ल। अगर टीम में क्या हो? एक भी गर्ल ना हो, यानी गर्ल्स कितनी होंगी? 4C 0 × 7C 5। 5 के 5 बॉयज होंगे। सॉल्व करना आता है? सेकेंड, अभी आया बढ़िया केस। एटलीस्ट वन गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फोर बॉयज तो वन गर्ल फाइव बॉयज। मेरे को सुनना यही था, 5 बॉयज तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसने बोल दिया एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, 0 गर्ल तो करनी नहीं है। 1 बॉय क्या हो जाएगा सर? फोर। सेवन सी थ्री इंटू फोर सी टू। क्या कर दो फिर? ऐड कर दो। क्लियर? यस और नो? सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मान लो इसके बाद 10 आ गया, इसके बाद 20 आ गया, इसके बाद 5 आ गया, तो इन सबको ऐड कर देना। अब ये ऐसे तो ऐड हो ही नहीं सकता, सी के अंदर सी ऐड कर दिया। क्लियर? थर्ड केस, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, क्या हो जाएगा सर? बोलो शाबाश। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? केस बनेंगे इसमें भी क्या? अगर 3 गर्ल्स है तो 2 बॉयज, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और 4 गर्ल्स तो 1 बॉय, 5 गर्ल्स तो बेटा 5 तो गर्ल्स ही नहीं है, गर्ल्स ही 4 है। कर गए फिर से गड़बड़ी, क्या हो जाएगा? 4C 3 × 7C 2, 4C 4 × 7C 1। कितने बच्चों का इसका आंसर सही था? सेकेंड तक सही था, थर्ड में गलती हुई। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? अच्छा पहुंचे ही नहीं, चलो ये तो और भी अच्छा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करोगे? 10 हो गया, नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मैं फिर करवा रहा हूँ। क्या कहता है? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 10 बच्चे हैं क्लास में, क्या करना है? सॉरी 25 और 10 को चूज करना है पार्टी के लिए। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. 3 बच्चे हैं जो कहते हैं आएंगे तो हम तीनों आएंगे और ना नहीं आएंगे। वो होता है ना आपकी क्लास में 3 का ग्रुप, का ना सर कह रहा उसका लीडर मैं ही हूँ। तो क्या कहते हैं? और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, है ना? भाइयों का ग्रुप है भाई, सिंपल सी बात है। How many ways can the excursion party be chosen? हाँ जी, सारे निकम्मे। हाँ जी, तो बताइए। 10 है ये, नॉट 9। सर बताओ कि कैसे हो सकता है, कौन बताना चाहेगा? उत्कर्ष बता रहे, ट्राई तो करो, गलती तो बोलोगे, बताओ। आई नो दैट आपकी क्लासेस मिस है, ठीक है, बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। एनीवन एल्स?
नहीं आपसे मैं पूछना ही नहीं, मेरे को पता आपने कर लिया। नहीं करा मैंने। चलो कोई और। चलो मैं बताता हूँ, देखो दो ऑप्शन है भाई क्या। अब वो कहते हैं या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, तो क्या बना? ठीक है, थ्री ऑफ देम ज्वाइन, या तो ये होगा कि तीनों की तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों की तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो हुआ। अब एक बात बताओ, तीनों की तीनों ज्वाइन करेंगे, अगर तीनों ही ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या करें? नोटिस करो 25, वेट मेरे बच्चा, 25 में से तीन का ग्रुप अलग है ना, तीन का ग्रुप है ना, कि या तो तीनों जाएंगे और या तीनों नहीं जाएंगे, तो 3 अलग और 22। बेटे जल्दबाजी कर रहे हो आप, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। ध्यान से समझो, अगर तीनों जाएंगे तो तीन में से कितने सिलेक्ट हुए, तो क्या हो जाएगा 3C3। तो 22 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? तीन में से तीन और 22 में से कितने होंगे 7। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 22C+। अब मान लो केस क्या हो जाए, तीनों ही नहीं जा रहे, तो तीन में से कितने है? और 22 में से 10, तो 3C0 × 22C10। मैं आपको बता दूं, बुक्स के अंदर या हो सकता है आपके टीचर्स सीधा इतना ही लिखवाए, क्योंकि 3C3 0 आंसर उसका 1 होता है। ये बात मैं लिखवा देता हूं अभी, किसको बात नहीं समझ आई, उत्कर्ष कंफ्यूज है फिर भी नहीं पूछा, पूछो कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? किस, हाँ क्या किया, दोबारा समझाऊं? ये बेटा देखो, अगर तीनों ज्वाइन कर रहे हैं तो तीन में से कितने हो गए? अगर आप देखो कॉम्बिनेशन है क्या एक्चुअल में, बट टोटल उसके अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, तीन का स्पेशल ग्रुप है ना भाई, स्पेशल वाला अलग और बाकी के अलग। अब वो कहता है क्या कंडीशन किस पे इस ग्रुप पे है क्या, कि या तो इन तीनों के तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों नहीं करेंगे। क्लियर? पहला केस अगर तीनों ज्वाइन करते हैं तो तीन में से कितना बंदा सिलेक्ट करा, तो क्या बोलते थे, तीन में से तीन जो सिलेक्ट कर रहे क्या लिखेंगे उसे 3C3। यहां तक क्लियर? और 22 में से कितना 7, तो 22C7। अब तीनों ज्वाइन नहीं कर रहे तो तीन में से कितने 0, तो 3C0 और 22 में से 10, 22C10। बोलो यहां तक क्लियर? ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा इजी है। एग्जांपल 23 राइट नाउ।